अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ कटिंग लगाना शेयर करूँगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी का जो मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है, तो फरवरी मार्च को जो है वो कटिंग्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम तसव्वुर किया जाता है कि इस मौसम में अगर आप कटिंग्स लगाते हैं तो आपकी कटिंग्स जो हैं वो बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाती हैं और आपके जो कटिंग्स का रिज़ल्ट होता है वो भी तकरीबन 100% होता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी कटिंग्स लगाना स्टार्ट करें। ये कुछ कटिंग्स मैं लेके आई हूँ, ये पॉइंसेटिया की हैं, बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। और सर्दियों में जो है वो इसके लीफ इस तरह से रेडिश हो जाते हैं, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए ये इसके रेड लीफ हैं। और गर्मियों में ये पूरा साल भी ग्रोथ करता रहता है और गर्मियों में इसके जो लीफ हैं वो ग्रीन रहते हैं। तो मुझे इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी आते हैं, जैसे वाइट आता है, पिंक आता है, रेड आता है, मरून आता है, पर्पल आता है, काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। लेकिन मुझे वो वाली वैरायटी पसंद नहीं है, मुझे ये वाली पसंद है। क्योंकि आम तौर पे हर गार्डनर की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि सीड्स में हाइब्रिड की जगह अगर आप देसी सीड लगाएं और कटिंग्स या बाकी प्लांट्स जो हैं जिनमें हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं वो लगाने के बजाय अगर आप देसी वैरायटी लगाते हैं तो वो आपके लिए इजी टू मेंटेन होती है, इजी टू ग्रो होती है और उसकी आपको इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो ये प्लांट तो काफ़ी साल पुराना है, मतलब हमारे बचपन में भी ये हमारे घर में होता था। लेकिन ये है कि उस वक्त क्योंकि गार्डनिंग का शौक़ नहीं था तो इसलिए इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी। लेकिन अब ये है कि ये जो प्लांट है इसकी कटिंग्स मुझे मिली हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ भी ग्रो करना शेयर करती हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी शेप में हैं, काफ़ी सारे साइज़ में हैं, कुछ थोड़ी थिक वाली हैं, कुछ थोड़ा पेंसिल साइज़ की हैं। तो मैं सारी आप लोगों के साथ लगाना इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सॉइल जो जिसके अंदर आपने इसको ग्रो करना है, सिर्फ जो आपकी गार्डन सॉइल है वो होनी चाहिए, किसी किस्म का उसमें फर्टिलाइज़र ऐड ना करें। और एक दफ़ा अच्छे से मिट्टी को नरम कर लें, ताकि मिट्टी जो है वो नरम होगी तो ज़ाहिर है जब आप कटिंग लगाएंगे तो उसमें जल्दी रूट्स आने का चांस होता है। अच्छा, आप इसको सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं, आप इसको पानी के अंदर भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मुझे ये कटिंग्स रात को मिली हैं, तो ये है कि अब इस टाइम पे थोड़ा सा ये यहाँ से जो इसका लिक्विड निकलता है वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इशू ना आए आपकी कटिंग में, तो आप एक दो दिन इसको शेड में रख के जब अच्छे से ये ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। मैं क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मैं किस तरीके से इसको लगा सकती हूँ, तो मैं इसको अपने तरीके से लगाऊंगी जिसमें इसकी गलने का चांस जो है वो ना होने के बराबर होगा। अच्छा, आप इसको सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं, और आप इसको, ये रूटिंग हार्मोन है, मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है तो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया। एक जो मैंने इससे पहले वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने एक दफ़ा इसको ग्रो किया, यूज़ किया था, और आज मैं इसको यूज़ करूँगी। तो रूटिंग हार्मोन जो है उससे जब आप यूज़ करते हैं और उससे ग्रो करते हैं तो फिर ये है कि जल्दी रूट्स आने का भी चांस होता है। और जब इसकी जो एजेस होते हैं कटिंग के, उस पर जब आप रूटिंग हार्मोन अप्लाई करते हैं तो फिर फंगस वगैरह का भी इशू नहीं होता। तो मैं सबसे पहले इसको खोलती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि इसको मैंने इस तरह से इस डोरी के साथ बांधा क्यों हुआ था। इसको मैंने इसलिए बांधा हुआ था कि ताकि एक ही लेंथ में, यानी जिस तरीके से मैंने कट किया है, ये पार्ट इसका नीचे वाला है और ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, तो जब मैंने इसको बांध के रखा है तो मुझे आइडिया था कि कौन सा जो कटिंग का पार्ट है उसको मैंने ज़मीन में लगाना है और कौन सा ऊपर वाली साइड पे रखना है। तो जब आप भी किसी भी किस्म के प्लांट की कटिंग करें तो उसका ये पोर्शन याद रखें कि कौन सा वाला पार्ट आपने ज़मीन के अंदर लगाना है और कौन सा आपने ऊपर वाले साइड पर रखना है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बांध के रखा हुआ था कि ताकि मुझे अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये ऊपर से इसके लीफ देखें तो ये मुझे अच्छे से याद था कि ये वाले पार्ट जो है ये ऊपर रहना है सॉइल के ऊपर और ये वाला जो पार्ट है ये ज़मीन के अंदर रहना है। तो मैं एक आपके साथ एक पॉट में लगा के शेयर करती हूँ और बाकी जो है वो मैं साथ साथ बाकी पॉट्स के अंदर इसको लगा दूंगी। तो मिट्टी को मैंने अच्छे से नरम कर लिया है, ये देखिए सैंडी सॉइल है हमारे यहाँ की, मैं काफ़ी सारी वीडियोस में शेयर भी कर चुकी हूँ, तो सैंडी सॉइल के अंदर बहुत आसानी से कटिंग्स लग जाती हैं। भुरभुरा कर लिया है मैंने इस मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके, ताकि इसके अंदर जो है वो जब हम कटिंग लगाएं तो फिर किसी किस्म का कोई इशू ना आए। अच्छा, अब ये करना है कि
थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन मैं निकालती हूँ, निकाल के और फिर हल्का सा इसको मैं गीला करूँगी। पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ कि अगर ये इसी तरीके से इसके साथ लग जाता है कटिंग के साथ तो ठीक है, इसको फिर कटिंग को गीला करने की, हल्का सा गीला करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ इसको इसी तरीके से इसके साथ डिप करते हैं और फिर लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये एज़ इट इज़ मैंने इसी के अंदर, ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल के रखा, इसके साथ मैंने अच्छे से ये देखिए इस तरह से टैप किया और ये देखिए ये यहाँ से इसको लग गया है। तो अब इस तरीके से एज इट इज़ इसका जो नोड एरिया आपने कितने रखने हैं, कम से कम 3 से 4 नोड एरिया आपके एक कटिंग जो है उसका साइज़ ये होना चाहिए कि 7 से 8 इंच की या 10 इंच की कटिंग भी इसकी इनफ है, तो उसमें 3 से 4 नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए और 2 नोड एरिया जो है वो आपने इसके सॉइल के अंदर रखने हैं। ये देखिए यहाँ से ये इसके एक ये नोड एरिया है ये वाला और एक इसका ये नोड एरिया है, तो 2 नोड एरिया जो है वो आपने इसके अंदर रखना है। ये थोड़ी सी थिक है तो इसको मैं ऐसे करती हूँ हल्का सा, जो मेरे पास टूल है उसकी मदद से ये देखिए पोल करके और इसके अंदर मैं इसको ये देखिए, ये देखें 2 इसके नोड एरिया जो हैं वो इसके अंदर लगे हैं। बाकी भी मैं इसी तरीके से, ये देखिए कटिंग का ये वाला पार्ट जो है वो इसके अंदर जाना है सॉइल के अंदर, ये देखिए ये लग गया है अच्छे से। अब इसको भी इसी तरह से मैं इसके अंदर करके और फिर आप लोगों के साथ, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पे लगा देती हूँ, ये देखिए ये देखिए ये इस तरह से लग गया है। बाकी कटिंग्स भी आप इसी तरीके से लगा के एक दफ़ा पानी अच्छे से दे दें ताकि पानी जो है वो फुल एक दफ़ा से ड्रेन आउट हो जाए ड्रेनेज होल से, और उसके बाद आपने इसको शेड में रखना है। तो आई होप कि ये जो मेरी वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिएगा। कटिंग्स को आपने शेड में रखना है और पानी जो है वो सॉइल को नम रखना है, वेट नहीं रखना, तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ जो है वो कटिंग्स के अंदर ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।